हाय फ्रेंड, श्री गणेश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट सूजी यानी रवा ढोकला, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। इसे आप नाश्ते के रूप में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये इतना जालीदार और सॉफ्ट बनता है और खाने में भी स्वादिष्ट। बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, इससे आपके भी ढोकले परफेक्ट जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रवा ढोकला बनाने के लिए हम लेंगे एक बोल और इसमें हम डालेंगे एक कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को ही मिक्सी में चलाकर बारीक कर लें, फिर आप इसका यूज़ करें। तो ये सूजी हमने ले ली है, जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से उतनी ही दही हम लेंगे और इसे डाल देंगे। दही हमारी खट्टी होगी तो ढोकला हमारा और अच्छा बनेगा, इसलिए आप दही खट्टी वाली ही यूज़ करें। दही की जगह आप उसी कप से दो कप खट्टी छाछ भी ढोकला बनाने के लिए ले सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे एक टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। इसे मिला लेंगे, फिर इसमें हम ये डालेंगे एक बड़ी चम्मच ऑयल। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे डालने से ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मैं सिंपल ही ढोकला बना रही हूँ, इसमें आप चाहे तो अपने मन पसंद वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे सूजी हमारी बढ़िया से फूल जाए। अब हम ढोकला बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक केक टिन इस तरह का। अगर आपके पास कोई स्टील की भी प्लेट हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो केक टिन में हम कुछ बूंदे ऑयल ले लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। दस मिनट हो गए हैं, हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है, सूजी इसमें बढ़िया से फूल चुकी है। इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए। अब लास्ट में हम डालेंगे एक चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, यानी आपको इनो का एक पाउच इसमें डाल देना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, एक चम्मच के बराबर पानी डालना है हमें। अब इसे हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करते टाइम ही ये फुला फुला आपको फील होगा, ये देखिए। और जब भी आप किसी चीज़ में इनो, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसको ज़्यादा देर रखते नहीं हैं, इसलिए तुरंत ही हमें ढोकला बना लेना है। तो हमने जो केक टिन ग्रीस करके रखा था ना, उसमें हम ये बैटर डाल देंगे। और बैटर डालने के बाद इसे इस तरह से टैप कर लेंगे। अब हम ढोकले को स्टीम देने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और इस कढ़ाई में हम डालेंगे दो ग्लास पानी और इसमें बीच में रख देते हैं इस तरह का स्टैंड। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी को उल्टी करके रख दें। अब पानी को हम उबलने देते हैं। पानी उबलने के बाद हम इसमें इस टिन को रख देंगे और इसे ढक देंगे। मैंने ये आटे का डो तैयार करने वाला बर्तन लिया है ढकने के लिए। आपके कढ़ाई को ढकने वाला कोई लीड हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो आप उसमें भी ढोकले को बना सकते हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। बारह मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ढोकला हमारा स्टीम होकर कितना फुला हुआ है। ढोकला हमारी अच्छे से स्टीम हुई है कि नहीं, इसके लिए हम चाकू से सेंटर में इस तरह डालकर चेक कर लेते हैं। ढोकला हमारा चाकू में चिपका नहीं, इसका मतलब है ढोकला हमारा एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब तक रवा ढोकला हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक ढोकले के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने गैस पर रखा है एक तड़का पैन, और इस पैन में हम डालेंगे दो चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे एक चम्मच राई, और ये मैंने तीन हरी मिर्च को इस तरह दो भागों में करके चीरा लगा लिया है। इसे हम तड़के में डाल देंगे। मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुकी है,
तड़का हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और लास्ट में हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब ढोकला हमारा ठंडा हो गया है तो अब हम लेंगे चाकू और चाकू को इस तरह घुमा लेंगे और इसके साइड्स को इस तरह घुमाते हुए अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ढोकला हमारा बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। अलग करने के बाद हम लेंगे एक प्लेट, इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह उल्टा घुमा लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से टैप करेंगे और टिन को हटा लेंगे। तो ये देखिए ढोकला हमारा कितना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। नज़दीक से आप देख सकते हैं कि ढोकले में कितने छेद हैं और जालीदार सॉफ्ट हैं। इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो तड़का तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तड़का डालने के बाद इसे हम क्यूब साइज में कट कर लेते हैं। इस ढोकला को बनाने में आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इस ढोकले को खाएंगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे बनाने में ऑयल का बहुत ही कम यूज़ किया है और ये सुपर हेल्दी भी है। इसके हमने पीसेस कर लिए हैं, एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी और जालीदार ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये बिना चटनी के भी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रवा ढोकला रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक करें, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।